अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिज़्ज़ा नॉन लाइन। तो दोस्तों तारिक अल मशहूर पापे गरारी वाले, इनसे आपको मिलवाएंगे। और कबूतर हमारे माशाल्लाह ऊपर है, इर्द गिर्द का व्यू लें आप, बड़ा ज़बरदस्त व्यू आज, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही आइडियल मौसम है। आज मैं लारी अड्डे गया था, उसकी वीडियो खोखर भी गलापे मैंने अपलोड किया है। दो टैडी पट्ठा पट्ठी ले के आऊँ, ऐसे गगन जुम्मी ले के आऊँ और सस्ते ले के आऊँ, उसने मोहब्बत किया है। साहब जी ने काम करके छोड़ा नहीं है, ओ अभी फ्री नहीं है, वरना मैं उनको दिखाता। हल्की फुल्की ने नज़र मारी है, काम हमारा जारी हो सारी है। बस जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। काम आपके सामने हो रहा है, ये देखें खिड़की बनवाई है, ये भी उस्ताद पप्पे गराड़ी वाले ने बनाई है हमारी। ये सारी हमारी इधर आ जाएगी। प्लम्बर बेचारे जो अभी काम करके गए हैं, प्लम्बर का भी ये देखें ना, काम हो रहा है सारा। तो ये देखें, ये जड़ियाँ जुड़ियाँ मार रहे हैं, ये देखें, ये देखें तारों का इलेक्ट्रिशियन का काम हमारा सारा हो गया। वो देखें तारे नज़र आ रही हैं आपको। तो ऐसे ऐसे है दोस्तों, काम होता है, पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है, लेकिन ये है कि काम हो जाता है इन शॉर्ट, समझ आइए आपको। देर है दुरुस्त है, ये जो काम होते हैं ना इतनी आसानी से नहीं होती, लेकिन आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, आप लोग इतना प्यार करते हैं, वीडियो को देखते हैं और बड़ी खुशी होती है। और इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश करते हैं लोगों को अपने साथ जोड़ने की, प्यार मोहब्बत बढ़ाने की। लेकिन जहाँ पर जो है ना, पाँच उंगली एक जैसे नहीं होती, इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन यह है कि वो देखें प्लम्बर बेचारे अब जा रहे हैं सारा काम करके ना। कमांडो डोनिच ने बड़ा मेकअप आया, ये देखें, ये दोनों भाई हैं अब जा रहे हैं। हाँ जी कमांडो भाई बेचारे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ताज जी दोनों भाई कारीगर हैं कि नहीं? हाँ। अस्सलाम वालेकुम ताज जी, सेहत तबीयत ठीक है? अभी हमारी छत पे जो भी आता है वो काम लेट ही करता है, क्या वजह क्या उस्ताद जी, इसकी कोई रीज़न बताओ? आप भी लगे हो, तीन दिन हो गए अभी तक कुछ भी नहीं किया आपने मेरे हिसाब से, एक छाती बनाई है। नहीं वैसा लगाता तो कोई नहीं है, उस्ताद जी ने कोई ठीक ही काम किया, ये VIP जाली लेके आए। उस्ताद जी यार इतना खर्चा हो गया, उस्ताद जी मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ यार इतना। दोस्तों एक भाई हमें पूछ रहा था भाई, 40,000 रुपया लग गया सिर्फ विड के और छतों पे, 40,000 रुपया। ये नहीं विड पे, अभी विड मुकम्मल भी नहीं हुआ, अभी पेंट विड, है, और थोड़ा 40,000 रुपया सिर्फ विड का 13x13 का लग गया यार, इतनी महंगाई हो गई है, माड़ा बंदा कहाँ से अफोर्ड करता है मुझे बताएं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह, ये 13,500 रुपये का हमारा जाली का थान है, पोनी का जाल है और लोहा तोड़ जाल है, इसमें तो मैं कह रहा हूँ इतना मजबूत जाल है, ये VIP जाली है। एंगल आया कितना किलो? 65 किलो। कितने का था? 270 रुपये किलो, 75 रुपये किलो पड़ा हमें। ये हो गया अपना 17,000 ये, और अपना ये जाली डालो 13,000, कितना हो गया? 30,000 तो सीधा सीधा ये हो गया। फिर 2,000 रुपया उस्ताद जी तुम्हें दिहाड़ी दी, तुम हमारे साथ गए सामान लेके, कितने हो गए? 32, कितने हो गए? 32,000। 1,500 रुपये का किराया भरा, कितना हो गया? 33। और 3,500 रुपये का सामान आया, ये अपना डबल बोर्ड, ये अपना पेच, और क्या था वो कुंडे, 3,500 का बिल है, कितने हो गए? 34,000 और 37,000। 4,500 रुपये की ये पट्टी आई है जो ऊपर लगनी है, कितने हो गए? 37,500 का डब्बा ये वाला पेचों का, ये डाल तो दिया उस वाले 3,500 वाले, 3,500 का नहीं, ये तो शहर से लेके आए थे, 3,500 का सामान तो कल लेके आए हैं ये शहर से। तो मजदूरी अभी तुम्हारी डाली नहीं, रंग हमने डाला नहीं, ये तो उस्ताद जी 50,000 रुपये पे काम पहुंच गया जाएगा, से भी ऊपर का जाएगा यार, महंगाई बहुत है, काम भी तो देखना यार कैसी जाली तेरी लगा दी यार, VIP उस्ताद जी, ये तो यार कहाँ भाई बातें, 15-20,000 में बोलिए, 1,00,000 रुपया लग जाता है काम कराते हुए, छोटा सा वीडियो बनाया 50,000 रुपया लग गया हमारा, दोस्त कह रहे थे आप बनवा लें जा वीडियो, मुझे एक बंदा मैसेज करा यार खर्चा बताओ, ये भाई खर्चा बता दिया 50,000 रुपया वीडियो पे लग रहा है, इसमें 1 रुपया हमने क्या, अल्लाह माफ़ करे। ये देखें यार मैं तो खुद सर पकड़ के बैठ गया, 50,000 रुपये खाली विड बना हमारा, 1,50,000 रुपये हमारे जाल भी लग गया ना उस्ताद जी, 2,00,000 तो ये तो पेटियां इधर गई, फिर इधर का सामान जो है ये देखें, ये जोड़ा तो देखो ऊपर, ये देखो उस्ताद जी तुम्हें देख रहा तुम्हारे काम को, चेक करो ज़रा कैसा दे रहे हैं वीडियो को। लेकिन ये है कि दोस्तों ये जो काम हमारा हो रहा ना, ये उस्ताद पप्पे गरारी वाली आपको बताएंगे ये क्या काम हो रहा हमारा। उस्ताद ने कहा कि जो विड खोकर के बनेंगे ना पूरे इलाके में धर्मपुरे में किसी के नहीं बनेंगे, क्या ख्याल है, क्या कह रहे थे आप, जरा आप एक्सप्लेन करें हमारे यूट्यूब चैनल पे व्यूअर्स को बताएं। उस्ताद जी जेन्युइन बात है, ये जो विड बांधे हैं जो जाली लगाई है ना किसी की भी नहीं लगी हुई है, और पायेदार काम इसलिए करा रहा है ताकि हमने इसके ऊपर रखना जाल, जाल का वजन है
और ताकि वो काम हमारा जबरदस्त हो जाए। भाई तूने मुझे क्या कहा था कि इसके ऊपर हमने रखना जाल, काम करना है मजबूत। ये देखें दोस्तों, ये पेज का डब्बा ही खाली 1500। यार बहुत महंगाई हो गई उस्ताद जी, माड़ा बंदा ना, मैंने हिसाब लगा लिया है, माड़ा बंदा ना बस देख ही सकता है वो ये काम करवाएगा कि क्या करेगा, इतना रोजगार है नहीं। बहुत महंगा यार लोया, बहुत महंगा। ये भी हम थोक का सामान लाए हैं मंडी से जाके, ये अगर हम पैप का बनाते भी तो उस्ताद जी 60,000 रुपए का खर्चा था। हाँ जी, के नहीं ये तो मंडी लेके गए हो, एंकल मुझे सस्ता दिलवा दिया हमें, वरना कहाँ मिलना था हमें। दोस्तों ये बहुत महंगाई हो गई है यार, मैं आपको क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, टैडी पठी पठी ऊपर है, वरना उस्ताद जी का शो करवाते। अभी कितना टाइम और लगेगा, आज आज कर दोगे वो लाइट का बंदोबस्त किया हुआ मैंने उस्ताद जी? आज यार सारे या मेन है ये अपना छत पे जाली जो उसमें, उसके बाद इस फ्रेम पे, उसके बाद कोई मेन नहीं है। पल्ले बना दिए ना आपने? सारा मुकम्मल कर दिया, पल्ले मुकम्मल हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ कल इसे रंग करवा दे, जब ये फिट हो जाता है ना, जब ये फिट होगा ना तो फिर ये रंग नहीं सही होगा। इस टाइम ये लादा लादा पीस है तो ये ना रंग सही हो जाएगा, जब ये एक दूसरे के ऊपर हो गया। यार ये क्या रंगबाजी कर रहे हो, ऊपर से नीचे आने की कर रहे हैं? वो भी तड़क गया था कप्तान वाला बच्चा, ऊपर से नीचे। नीचे नहीं आने की कर रहा भाई जी, वो भागने की कर रहा है। नहीं उस्ताद जी नीचे आने की कर रहे हैं, वो देखो नीचे फिरते, वो देखो देखो दो दिन नीचे रहे, उसने कहा नीचे ही रहना, कबूतर तगड़ा ये भी है ना उस्ताद जी। क्या वजह? तुम्हें मैंने बोला उस्ताद जी एक दरवाजा ऊपर लगा दो, लेकिन आप वो भी नहीं लगा रहे। करो तो करूँगा उस्ताद जी, इसको पकड़ो जरा, छोड़ो सारे काम, इसको नीचे पकड़ के छोड़ें, इसको ऊपर छोड़ गए हैं। वो देखो इसको देखा देखी सारी तड़केगा, चलो उधर। हेलो ताजी, वो तड़क गया ना, उसको पकड़ लो। या पकड़ते हैं किसी तरीके से ही पकड़ेंगे कि बगैर तरीके से पकड़ेंगे? उस्ताद जी कबूतरबाजी के बारे में बताओ, लोग समझते हैं कि आप वेल्डर ही हो, खाली कबूतरबाजी नहीं करते। बताओ जरा कि पुराने कबूतर बाज है इलाके के, अपनी छत भी है और एक ही उस्तादी से गिर दी है। पकड़ लें, ये देखें जी, पकड़ो उस्ताद जी, वो देखो कारीगर है, नीचे उतरा था, उसे पता नीचे दाना खाता होता था मैं, तो नीचे उतर गया। पकड़े उस्ताद जी इसको, पकड़े। अभी ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ, ले गया हूँ पट्टी पट्ठा 2000 रुपये का बरारी अड्डे से, और बड़ी हाल है। उस्ताद जी कैसा कबूतर है? ये वही है वो जो आए थे गुजरा वाले, मैंने उनसे ले उनमें से लाए थे, हैं उनमें से आए थे यार। ड्रोना सा सादा सा, लेकिन कोई पता नहीं उस्ताद जी कुछ भी कहा जा सकता। उस्ताद जी ने अब शो कम कर दिया, वरना पुराने कबूतर बाज थे नहीं लोग घर बनाएंगे किसी दिन। भाई वो टैडी जोड़ों को तो शो करा होने के लिए कराए मैंने, किसका? अब कप्तान जी आए थे वो ना, नहीं नहीं वीडियो में शो कराओ ना, वीडियो में शो करा देंगे। यार दोस्तों उस्ताद पप्पे गरारी वालों के पास टैडी जोड़े हैं, को 10 होंगे। हाँ 10 यार, ऐसे गगन चुम्मी जोड़े हैं, खुदा की कसम आप दे लोगे ना। मैंने रेट लगाया है उन जोड़ों का, लेकिन उस्ताद देता नहीं है। मैंने क्या कहा था उस्ताद जी आपको उस जोड़ों का? आपने ये कहा था मुझे कि ये अपना कमरा भर लें कबूतरों का, और मैं कहा लोगों चपेड़े खा के, चपेड़े भी मारना लोगों को, लोग पैसे भी देंगे, चपेड़े भी खाएंगे और कबूतर लेके जाएंगे। कप्तान जी आए थे, तुमने अंडरग्राउंड किए हो या तुम दिखाते ही नहीं ना देते हो? मैंने गाहक हूँ उनका, जब तुम्हारा दिल करेगा ऐसे पहले ना वो जोड़े 10 के 10 दे, 10-15 जोड़े हैं अपने, और सारी टैडी कबूतर है चौधरी साहब वाले इनके पास, कांटो वाले, उन्होंने बंद कमरे में रखे हैं बत्ती बंद करके, पुराने स्टाइलों में लकड़ियों के कप के बना के, गिनती के 4-5 बंदे होंगे जिनको दिखाए होंगे, क्या नहीं? उस दिन कप्तान जी आए, कप्तान जी ने कहा कि बहुत ही जोड़े देख के वो परेशान हो गए, तो उसी टाइम उनको एक फ़ोन आ गया, तो उसने 2000 रुपये पर 10 बच्चों का कह दिया। हालांकि मैं बेचता नहीं, तुझे पता ही है एक अरसे से मैं खुद ही अपने जो उनसे पलते हैं छोड़ लेता हूँ, थोड़ा सा शौक है वो पूरा। नहीं उस्ताद जी, अब आपने वीडियो पे बात कर दी, अब आपके उतरों को वो जोड़ों का शौक बनता है, करा देंगे, इधर से फारिग होंगे किसी दिन, चले छत पे चलेंगे फिर आपको शौक करवाएंगे। दोस्तों जेन्युइन बात बता रहा हूँ आपको, बहुत ही आला। वो जाल का क्या बना? जफर भाई का वो क्या स्टोरी है बताओ जरा यूट्यूब पे हमारे व्यूअर्स को। वो जफर भाई ने कहा था मुझे, वो जाल जो उमर गुजर की छत पे मैं गया था, मैंने एक जाल पे फोकस किया था, उसका अक्षर मैं थंबनेल पे भी लगाता हूँ। वो जाल भाई ने बनवाया 30x30 का, वो कह रहा यार उमर खोकर को गए मेरे से जाल ले ले और अपनी सेटिंग कर ले। आज का तो हमारा टाइम था सबको जाने का, हम तो असर तो पड़ भी है हमें, तो चले फिर मर्जी करो फोन, ये पंबड़ पोसा बंद करो, उधर चलते हैं बस, चलते हैं ये जाली है। नहीं ना फिर मगरिब हो जानी है, करो आप फोन करो, फोन आप फोन करो उनको, फोन करो। दोस्तों मुझे याद आया अचानक एक जाल नया रखा, वो कह रहे हैं भाई ये ले जाओ हमारा तो खर्चा बच जाएगा। आगे भाई पैसों पैसों की जरूरत है, 1,00,000 रुपया लग गया भाई, फायदा कोई नहीं, हमें क्या लोड़ा कितने पैसे जाया करें। अगर वो जाल हमारा सेटिंग आता है बालाजी को करते हैं फोन, तो हम वही जाल जो है ना सेटिंग करते हैं। अभी ऊपर जाके मैं दाना डालूँ, कहें उस्ताद जी हमारे, उस्ताद जी 2 मिनट बाद घंटे को किको मारो और चले, मैं इतनी देर दाना डाल रहा हूँ ऊपर। नहीं दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वो कबूतर मैंने बरा, ये देखें अभी यहाँ वो देखें ऊपर चढ़ चढ़ के बैठ रहे हैं, ये पता नहीं इनको क्या हो गया। एक मिनट, अल्लाह अकबर। ओए उस्ताद जी सीढ़ी पकड़ना,
यार ये कहां मुझे चढ़ा दिया उस्ताद जी तुमने। क्या आ रहे हैं, हम आ रहे हैं भाई, ये दाना डाल रहे हैं। ले दोस्तों ये दाना, ये मैं दूसरी साइड से आया हूँ वीडियो, मैंने कहा यार मैं आज पट्टी पट्ठा लेके आया हूँ। वो ये बच्चा तान वाला तड़ा गया, वो तेरी ये इधर से इसने मारी है ठीक, वो चला गया सामने वहाँ से। फिर मैं वो प्लम्बर का लड़का था पकड़ के लाए, वो सामने बैठ गया वहाँ से नीचे गली में गया, गली से पकड़ के लाए। तो कप्तान जेले बच्चे ने क्या फिल्म चलाई है अभी उस्ताद जी। फिर मैंने इसको टेप, काली टेप से और बांधा, ये देखो ये काली टेप ले गया मैंने इसको और बांधा, ये बच्चा कप्तान है। ये पट्टी पट्ठा ले गया हमारी लाड़ी डे से जाके, यार ये बहुत प्यारे हैं ये देखिए। एक ये और एक इधर ही टैडी होगा, और इधर ही कहीं होगा बेचारा, इधर ही लगा फिर होगा। ये एक ये रहा, ये देखिए ये रहा, ये ले गया मैं। इसकी वीडियो मैंने डाली है खोखर विजन क्लब पे, आप मुलाइजा फरमा सकते हैं। एक दिन में देखे उन्होंने छत इतनी गंदी कर दी है यार, मुझे तो नहीं उम्मीद थी इतनी गंदी करेंगे। खैर मोटा दाना इनका आपको भाई डाल रहा है, उससे ये है कि कबूतर ज़रा तगड़े रहते हैं इंशाल्लाह। लोग कहते हैं नए खुडों में कबूतर ना डालो, यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये बात ही है। लोग कबूतर माशाल्लाह हमारे पहले से ज़्यादा हेल्दी एंड एक्टिव है। अभी और दो चार दिन की बात है, मैंने ना ये खुडा फिलहाल इधर रखा है, उत्साह जी को कह के दरवाज़ा लगवा रहे तो नहीं लगवाने। ये बस ये वो देखे ना, फ्रेम बन के तैयार है, जाली लगनी है, ये बीच की सेंटर है। और ये कबूतरों को दाना डाल दिया, कबूतर दाना शाना खा रहे हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों आप लेके। अभी मैं जा रहा हूँ जाल पे, वो जाल मेरा ख्याल है वो जाल है जिसकी जिस जहाँ पे हम जा रहे हैं। ये जाल फ्रंट पे नज़र आ रहा है ना आपको, इसके बैक पे जो जाल है ना मेरा ख्याल है वो जाल है जिधर की बात हुई है। हो सकता है उससे सौदा बन गया तो हमें सस्ते पैसों में वो जाल मिल जाएगा, तो हमें क्या ज़रूरत है 1.5 लाख लगाने की यार। एक एक रुपया बंदा संभाल के रखे, फूल खर्ची वैसी। ये अंदर की शेडे है, ये देखें ये भी शेडे बन गई हैं, ये भी शेडे बन गई हैं। तकरीबन हमारी छत तैयार है आलमोस्ट। ये कबूतर लाखा भी नहीं है, ये भी है कोई बात नहीं, थोड़े से सुन होके बैठे हैं, दो चार दिन खाएंगे पियेंगे सेटलमेंट हो जाएंगे। ओके की आवाज़ होगी, वो देखें बच्चा कप्तान जी अला दाना खा रहा है। इर्द गिर्द का मोहल्ले मैं तो खुद तंग आ गया यार, कुछ कबूतर मारे भी कीजिए उड़े और मज़ा है। अभी जा रहा हूँ उधर की वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, मज़ा आएगा देख के वो वीडियो। साजी करना सीढ़ी, चलो चले चलते हैं भाई। चार पेज लगा दें ये पौड़ी, इधर करो ये इधर, ये देखें साहब पापा गाड़ी वाले काम कर रहे हैं पूरा। और इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहेंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा हमारे चैनल को। इंशाल्लाह रंग पीला ही करेंगे कि नहीं उस्ताद जी। उस्ताद जी ने हमें कल एक स्टोरी सुनाई है तो वो मैं आपको फिर डिस्कस करूँगा। अच्छा कोई नहीं उस्ताद जी, जान से ज़्यादा तो नहीं ना प्यारी जाली तुम्हारी। उस चक्करों में मैं नीचे गिर गया था, लद बांध रहा था, इससे बेहतर है कि जाली खराब हो जाए। वो उस्ताद जी उस्ताद जी फिर टाइम नहीं है, छोड़ दो ये, आ जाओ चलें चलते हैं बस। यार 5 मिनट में मगरिब हो जानी है, फिर कहाँ चलते हैं वो जी। आओ चलें छोड़ दो इसको इधर ही, ये पर्स उधर कर दो। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं एक छत पे जाल देख रहे हैं, उसकी वीडियो बनाएंगे शेयर करेंगे। फिर अगर सौदा हो गया तो फिर बाले को फ़ोन करेंगे, अगर वो कहेगा ना हाँ यार यही जाल की सेटिंग होती है तो हमारा उस्ताद जी आधा खर्चा बचेगा कि नहीं। वही खर्चा हम उस्ताद उसमें से कुछ परसेंट है हम उस्ताद पापा करा रही है लोगों एज आ कमीशन दे देंगे कि उन्होंने हमें जाल दिखाया कि नहीं। ओके जी अभी जा रहे हैं उधर हम, चलो उस्ताद जी और जा रहे हैं उधर ही जा रहे हैं, अब उस छत पे जा रहे हैं वहाँ पे जाके इंशाल्लाह शो करवाएंगे। ओके जी।